हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन से ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है तो फ़ोन की सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। तो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सिंपल, फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है ऑटो सही और ऑप्शन से डिस्प्ले ऑप्शन सर्च कर देना है। सर्च करते ही ऑप्शन हमारा ओपन जाएगा। ओपन होते ही आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम, उसको ओपन करेंगे तो यहाँ से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं टाइमिंग चेंज करके। चेंज करते ही जो हमारी फ़ोन की टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी, इससे हमारी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। और साथ में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, यहाँ से आपकी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आती है तो आप देखते हैं कि आपके पास ये सेटिंग्स शो हो रही है। तो इसमें से आपको सर्च करना है डिस्प्ले सेटिंग पे। डिस्प्ले सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं टाइमिंग चेंज करके। हम 30 मिनट कर देंगे तो जो हमारी स्क्रीन है 30 मिनट के अंदर ऑटो ऑफ होगी क्योंकि हमने टाइमिंग को चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमने नोकिया फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।